केकेआर ग्राउंड में मैं बचपन से खेला हूँ, मतलब जैसे एडन में बहुत सारे मैचेस खेला हूँ। मेरा होम टाउन है और कंडीशन अच्छा रहता है, पहले बैट करो या चेज करो, हमेशा थ्रू आउट द विकेट अच्छा रहता है। कंडीशन हमेशा उस टाइम ह्यूमिड रहता है, जैसे अप्रैल मई महीने में कलकत्ता में गर्मी रहता है, 40+ होगा और साथ में ह्यूमिड भी है। और रिसेंट टाइम में विकेट अच्छा खेलता है, जैसे पहले कुछ टाइम स्लो बिहेव करता था मगर अभी शायद अच्छा बिहेव करता है एज ए T20 के हिसाब से। अप्रोच वाइज बोल सकता हूँ कि गर्मी है तो अपने आप को प्रिजर्व करना चाहिए, रिकवरी वाइज शुरू से हाइड्रेट और साथ में जैसे मान लो प्रिपरेशन वाइज भी ओवर एग्जॉस्ट नहीं होना है प्रीवियस डे या दो दिन जितने प्रैक्टिस होगा उसमें। हाँ, हम लोग जैसे आफ्टरनून मैचेस के लिए प्रैक्टिस भी उसी टाइम में करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो दोपहर की तो थोड़ा सा सन के लिए हैबिट हो जाए, या जैसे बॉल का फील आता है या बैटिंग का कंडीशन आता है वो सेम टाइम में करने की कोशिश करते। क्रिकेट का क्रेज तो मतलब आउटस्टैंडिंग है, सबको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट वेन्यू है इंडिया में जैसे क्रिकेट खेला जाने के लिए, और साथ में उधर का पब्लिक मतलब बहुत ही नॉइजी है। कलकत्ता में जाना जाता है फूड के लिए और साथ में स्वीट्स के लिए, तो कोई कोई ऐसा अच्छा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे स्पेशली बंगाली फूड मिलते हैं, और साथ में जो उधर का सबको पता है कि मिष्टी दोई एंड रसगुल्ले तो उधर बहुत ही अच्छा मिलता है, तो अगर आप लोग भी आइए उधर जाके ट्राई कर सकते हैं। सिटी में जैसे विक्टोरिया है, जैसे मान लो रिवर साइड है, अगर आप बाहर चले जाओगे तो एक दुकान डायमंड हार्बर एक प्लेस है जहाँ पे सी एंड रिवर का जॉइंट है, उधर भी है। अगर और थोड़ा दूर जाओगे सुंदरवन भी है, उधर भी शेर वेर अगर मौका मिला तो देख सकते हैं।